मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी हुई थी तो कहने लगी, प्रभु जब मैं आपके पास मिलने आ रही थी तो मैंने मृत लोक पर क्या देखा कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। प्रभु जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया, इसलिए अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी महान कृपा होगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है, मेरा दूसरा प्रश्न है भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वो कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा, वो अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं हड़पेगा, वो अपनी भाई की पत्नी को कभी भी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती भगवान शिव को कहानी पूरी सुनने का वचन देती हैं और कहती हैं, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पुराने जमाने की बात है, एक राजा था, उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे, लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी, एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। वहीं राजा ने इस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था, जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा करके वहां से न ले जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी, फिर राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे ऐसा देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। वहीं राजा ने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का यदि पता बता देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। वहीं राजा के तीन बेटे थे, सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा कि रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने और चोर को पकड़ने की इजाज़त दे दी। वहीं बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन दो घंटे बाद ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वो सो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं सुबह उठ करके जब उसने सेबों को गिना तो वो देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक सेब और गायब हो गया था। फिर इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी नींद आ गई और तीसरे सेब की चोरी हो गई। वहीं राजा बहुत चिंतित था और दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, सब लोग उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वो छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता था। और फिर जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ के लाऊंगा, तो
तो राजा उसे डांटते हुए कहता है कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। वहीं अंत में राजा राजी हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर सबसे छोटा राजकुमार जो था रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। वहीं जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। फिर उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़ करके अपनी चोंच में पकड़ लिया। वहीं छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशाना साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। वहीं इतना अवश्य हुआ कि उस सोने की चिड़िया का एक सुनहरा पंख टूट करके वहाँ जमीन पर आ गिरा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़कर लाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में पहुँचा। वहाँ उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। फिर राजकुमार ने शिकार हेतु मौका देख करके तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो, मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेंगी। वहीं एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो सजाए बहुत सजी सजाई दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। तुम रात को या दिन में उसमें मत ठहरना, मगर तुम उस सराय में जाकर रुकना जो बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं लोमड़ी की बात सुनकर के बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर के बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो बचकर भाग गई। वहीं बड़ा राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच में दो सरायें थीं। उसमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थीं। वहीं दूसरी सराय बहुत भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। वहीं राजकुमार ने लोमड़ी की बात को गौर नहीं किया और राजकुमार जो था सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वो भूल गया कि वो असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था, क्योंकि जो सजी सजाई सराय थी उसके अंदर जो भी व्यक्ति जाता था वो अपने जिस काम के लिए आता था उस काम को भूल जाया करता था। इसीलिए बड़ा राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। वहीं उधर जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली और फिर उसी लोमड़ी ने मझले राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। मगर मझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को वो उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहर गया और वहाँ के नाच रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा, तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा, जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुझे सफलता कैसे मिल सकेगी। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और उसके जिद करने पर राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाज़त दे दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं छोटा राजकुमार तैयार होकर के सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना तो लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मगर छोटे राजकुमार की बात सुनकर के वो लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो, तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूँछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ जिस सराय में तुम्हें रुकना है, और भांसे तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं देखते देखते उस लोमड़ी की पूँछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी जो थी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। वहीं राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मान करके छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वो सजी सजाई सराय में नहीं गया और उस दूसरी सजी सजाई सराय से काफ़ी दूर रहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। वहीं लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होंगे। तुम सिपाहियों से डरना नहीं और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय पर वो सिपाही सो रहे होंगे, और तुम बेधड़क होकर के किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी, और वहां पर पहुंच कर के तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठा कर के किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तुम भूलकर भी उस सोने की चिड़िया को उस सोने के पिंजरे में मत रखना, और तुम उस सोने की चिड़िया को उस लकड़ी के पिंजरे में से निकाल करके यदि सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। और फिर ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूँछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे किले के पास पहुँचा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे, और फिर छोटा राजकुमार बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद में उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी, और उस पिंजरे के पास ही सोने के तीन सेब पड़े हुए थे। फिर तो उन तीनों सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये तीनों सोने के सेब उसके पिता के बाग के ही हैं। वहीं सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उस चिड़िया को देखता ही रह गया, और वो उस चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजड़े पर पड़ गई। वो पिंजड़ा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। और फिर उस सुंदर सोने के पिंजड़े को देख करके छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया, और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा, और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजरे को छूने के लिए मना किया था। मगर राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल करके और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकाल करके उसी सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही वो सोने की चिड़िया खूब जोर जोर से शोर मचाने लगी, और राजकुमार पिंजरे को उठा करके कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उस छोटे राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। वहीं राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। फिर राजकुमार की बात को सुन करके राजा ने कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला कर दो तो मैं तुम्हें न सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। वहीं राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वो सोने के घोड़े के तलाश में निकल पड़ा। वहीं किले के बाहर जाने पर छोटे राजकुमार ने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है और फिर उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। तो लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया, मैंने जिस तरह से कहा था अगर तुम उस तरह से काम करते तो मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथ में होती। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा, मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूँछ पर बैठ कर के सीधे चले चलो, कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा, उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा, महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे, तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास में ही घोड़े पर कसने के लिए दो जीने रखी होंगी, उनमें से एक तो बहुत पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी, तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कस करके सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। वहीं लोमड़ी की बात को सुनकर के छोटे राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा और फिर लोमड़ी ने उस छोटे राजकुमार को अपनी पूँछ पर बैठाया और कुछ ही देर में उसे उस किले के पास पहुँचा दिया। वहीं किले के पास पहुँचते ही लोमड़ी ने राजकुमार को उतारा और फिर वहाँ से चली गई। वहीं राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे और फिर थोड़ी ही देर में वो किले की घुड़साल में जा पहुँचा और वहाँ एक बहुत सुंदर सुनहरा सा घोड़ा बंधा हुआ था। वहीं राजकुमार ने पास जाकर देखा तो वो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। वहीं राजकुमार ने आगे बढ़कर के उस सोने के घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ी। वो जीन बहुत ही सुंदर थी, उसमें हीरे मोते जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की भी जीन पड़ी हुई थी। वहीं राजकुमार सोचने लगा कि इतने सुंदर घोड़े पर ये पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को शोभा नहीं देगा और फिर ऐसा सोच करके वो राजकुमार सोने की जीन को उठा लेता है और घोड़े पर कसना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही घोड़े की पीठ पर वो सोने की जीन को कसता है, वैसे ही घोड़ा जो था जोर जोर से हिनहिना उठता है और किले के नौकर चाकर जाग जाते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांध करके अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, आप महाराज बताओ, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ। तो राजा ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सोने का महल है, उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ, यदि तुम ऐसा कर दोगे
तो मैं तुम्हें इनाम में ये सोने का घोड़ा दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बेचारा राजकुमार वो फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर के राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर मिल गई। पता नहीं उस लोमड़ी को सारी बातें कैसे मालूम हो गई थीं और वो कहने लगी, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूँगी। चलो तुमको सोने के महल के पास पहुँचा देती हूँ, तुम महल के बाहर ही कहीं पर छिपे रहना। जब महल में से शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और डरना नहीं। जैसे ही तुम उस राजकुमारी को छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से सीधे अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वो राजकुमारी तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर ऐसा कहकर के लोमड़ी ने फिर से उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठा लिया और देखते ही देखते वो लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर के बाद में उस सोने के महल के पास जा पहुंची। वहीं महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और वो बोली, राजकुमार तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। तो राजकुमारी ने लोमड़ी की बात को याद किया और राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी थी कि राजकुमार उस राजकुमारी का रोना नहीं देख सका और उसका मन पिघल गया। वहीं छोटा राजकुमार अंत में राजी हो गया और बोला, जाओ थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलाओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। वहीं राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फिर तो फांसी का हुक्म सुनने के बाद में राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। फिर राजकुमार ने कहा, ठीक है आप जो भी कहेंगे मैं आपका काम करूंगा। तो राजा ने कहा, हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। वहीं राजकुमार किले के बाहर आकर के पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ आखिर वो 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ को खोदना शुरू करता है। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजकुमार अंत में दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था और मन ही मन में कह रहा था कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना न मान करके नई नई मुसीबत में फंसता गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास में उस लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। फिर उसने नजर उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। फिर लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों क्या हाल है,
इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। और फिर इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वो लोमड़ी जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा। और फिर चुपचाप उठ करके वो राजकुमार एक तरफ सोने के लिए चला गया। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई और सुबह जब वो सो करके उठा तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर तो राजकुमार सीधा राजा के पास पहुँचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ में कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। तो लोमड़ी कहने लगी, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूँ जिसने राजकुमारी के बदले में मेरी जान बख्शी थी। फिर लोमड़ी कहने लगी, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, अब ये सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी। तुम सबसे पहले इस राजकुमारी को लेकर के सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा जब राजकुमारी को देखेगा तो खुश हो जाएगा और खुश होकर के वो तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। फिर तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर के सबसे विदा लेना। वहीं राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना और जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुँचो तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना, क्योंकि सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे क्या करना है बाद का काम मैं बाद में बताऊंगी। जब तुम घोड़ा और राजकुमारी को लेकर आओगे तो तुम्हें वहाँ आगे मैं रास्ते में फिर मिलूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और विदा लेने गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वो राजकुमारी को उठा करके घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। वहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी और उसे देख करके लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुँचोगे तो वो इस घोड़े को देख करके बहुत ही खुश होगा। तुम मुझसे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं ये घोड़ा तुमको दूंगा। फिर जैसे ही राजा जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने बताया था और वो राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा। और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते एड़ मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वहीं कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर उसे मिल गई। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ, मैं तुमको कुछ ना कुछ देना अवश्य चाहता हूँ। फिर राजकुमार की बात को सुनकर के वो लोमड़ी कहने लगी, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम मुझ पर एक तीर चला करके मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम
मेरे लिए कर सकते हो। फिर लोमड़ी की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुम्हें मार दूं, ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर तो ऐसा सुनकर के वो लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें दो बातें बता रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी भी कुएं की दीवार पर तुम मत बैठना, और दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों के लिए कभी धन खर्च मत करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन खर्च क्यों करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर के लोमड़ी वहां से चली गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं लोमड़ी के चले जाने के बाद में राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ जब आगे बढ़ा तो राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा भी उसके हाथ में था। वहीं कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वो दोनों सरायें थीं। वहीं गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देख कर के सभी सराय वाले चकित थे। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। फिर राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां पर दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फिर तो राजकुमार उन आदमियों से मिलने के लिए उधर को चल पड़ा और वहां पहुंचने पर उसने क्या देखा कि वो दो आदमी जिनको फांसी दी जाने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके सगे बड़े भाई थे जो सजी सजाई सराय में पहुंच गए थे और अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। वहीं तरह तरह के बुरे काम करते थे और जुआ खेलते थे और जुए में बहुत सारा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सारा रुपया उधार ले लिया था और इन्हीं सब बातों से चिढ़कर के गांव वाले उन दोनों बड़े राजकुमारों को फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, भाई आखिरकार भाई होता है, छोटा राजकुमार ऐसा कैसे होने देता। उसने अपने बड़े भाइयों को बचाने के लिए वहां के लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और तुम इन लोगों को छोड़ दो। और फिर उसके बहुत कहने सुनने पर वहां के लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। वहीं राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ा करके आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। फिर राजकुमार वहां पर सोचता है। फिर राजकुमार कुछ सोचकर राजकुमारी से कहता है, हम कुछ देर के लिए इस कुएं के पास आराम करते हैं और फिर यहाँ पर ठंडा पानी पीने के बाद में हम लोग यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के राजकुमारी राजी हो गई। इधर छोटा राजकुमार लोमड़ी की दोनों बातों को भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा के समय कहा था कि कभी भी घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर मत बैठना और कभी भी ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिनको फांसी लगने वाली हो। वहीं जैसे ही छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में उस कुएं के किनारे पर बैठा तब तक उसके बड़े दोनों भाई आ गए। वो उससे जलने लगे कि इसको तो सुंदर राजकुमारी मिल गई और इतना सारा धन भी मिल गया और पिताजी भी इसकी बुद्धिमानी को दाग देंगे, इसकी घर में बकत बढ़ जाएगी। कल तक पिताजी इसे मूर्ख समझते थे, आज यही बुद्धिमान माना जाएगा। इसलिए दोनों भाइयों ने सलाह करके और मौका देख करके अपने छोटे भाई छोटे राजकुमार को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद सोने का घोड़ा लेकर के घोड़े पर राजकुमारी को बिठा करके सोने की चिड़िया का पिंजरा उठा करके और भांसे चलते बने। और फिर इस प्रकार धन और राजकुमारी के लालच में बड़े दोनों भाइयों ने छोटे भाई को मौत के मुंह में ढकेल दिया। फिर कुछ ही देर में वो दोनों बड़े राजकुमार अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़कर लाए हैं, इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे,
इसके साथ ही हम एक ये सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। फिर तो ये सब देख कर के राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में वहाँ के लोग खुशियाँ मनाने लगे। वहीं राजकुमारी खुश नहीं थी, वो बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। और उसे लोमड़ी की बात याद आई तो वो पछताने लगा और सोचने लगा, अगर मैंने लोमड़ी का कहा मान लिया होता और शायद घोड़े से उतर करके इस कुएं के पार पे नहीं बैठता और मैंने अपने दोनों लालची भाइयों की मदद न की होती तो शायद आज मैं इस कुएं में न पड़ा होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को पुनः याद किया, लोमड़ी न मालूम कैसे कुएं के मुँह पर आ पहुँची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद किए देती हूँ। लो मेरी पूँछ पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आओ। और ऐसा कह करके लोमड़ी ने अपनी पूँछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूँछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुँची। वहीं राजकुमार पूँछ को पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आया और फिर लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, वो लोग निश्चित तुम्हें मार देंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला, तो भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदल करके वो छोटा राजकुमार अपने किले में पहुंच गया और वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ डाले और वो भी खुश दिखाई देने लगी। इतना होने पर भी राजा की समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने राजकुमारी से इस खुशी का कारण पूछा तो राजकुमारी बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ में मेरी शादी हुई है और मैं उसी के साथ में ही सुखी रह सकती हूँ। फिर राजकुमारी ने राजा से इतनी बात कहकर के मैले कुचैले कपड़े पहने हुए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो राजन, आपका छोटा राजकुमार खड़ा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया और अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए कि मेरा छोटा बेटा मूर्ख नहीं बल्कि सबसे होनहार और बुद्धिमान है। अब तो वो उसको बहुत ही समझदार और बहादुर मानने लगा और अपने सबसे छोटे बेटे को सबसे अधिक प्यार करने लगा। और फिर राजा ने छोटे राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। वहीं राजा ने कहा कि भाई को कभी भी भाई की पत्नी को हड़पना नहीं चाहिए और ना ही भाई का कभी हिस्सा हड़पना चाहिए, ना ही लालच में आकर के भाई को मौत के घाट उतारना चाहिए। जो भी भाई अपने भाई के साथ में ऐसा करता है उसे दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। राजा कहता है कि बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया बल्कि राजा को भी धोखा दिया है। इससे राजा अपने बड़े राजकुमारों से बहुत नाराज था और फिर उसने दोनों बड़े राजकुमारों को सजा देने का ऐलान किया और अपने राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया। और राजा कहने लगा,
जो भाई की पत्नी को छीनता है, जो भाई के साथ में गलत व्यवहार करता है, जो भाई के धन को हड़पता है, ऐसे भाई को हमेशा के लिए घर से बेघर होना पड़ता है। यही विधि का विधान है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब राजा ने अपने दोनों बड़े राजकुमारों को राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया, उसके बाद में बड़ी धूमधाम के साथ में राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह किया और फिर छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में सुखी से रहने लगा। वहीं छोटा राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी, और एक दिन समय निकालकर वो जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद में एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। वहीं लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आओ राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? तो राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर हमेशा बना रहता होगा। वहीं लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और भला अब तुम्हें मेरे दुखों से क्या लेना देना, तुम्हारा काम निकल गया। अब तुम राजकुमारी के साथ में सुखपूर्वक अपने महल में राज करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर लोमड़ी की बात सुनकर के छोटा राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तो लोमड़ी ने कहा, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वो राजकुमारी मेरी छोटी बहन है जिसके साथ में तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो मैं इस जादू के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से राजकुमार बनकर अपने देश लौट सकूंगा। वहीं छोटा राजकुमार इस बात को सुनकर के एकदम से आश्चर्य में पड़ गया और फिर उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया। वहीं तीर लगते ही वो लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहीं राजकुमारी अपने भाई से मिलकर के बहुत ही खुश हुई। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भाई भाई का दुश्मन क्यों हो जाता है, तो समझ लो धन के लोभ में आकर के व्यक्ति भाई जैसे पवित्र रिश्ते को भूल जाता है और धनवान होने के मद में भाई भाई का कत्ल कर देता है। मगर राजकुमार के भाइयों की तरह जो भाई ऐसा करता है एक दिन उसका सर्वनाश हो जाता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है, तो समझ लो भाई का हिस्सा या उसकी पत्नी या उसका धन हड़पने वाले व्यक्ति को घर से बेघर होना पड़ता है। जिस प्रकार राजकुमार के दोनों भाइयों को राजा ने राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया और वो घर से बेघर हो गए, इसलिए भाई जैसे पवित्र रिश्ते को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। भाई भाई के बीच में जहाँ प्रेम रहता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। फिर तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में एक भाई को हमेशा दूसरे भाई की मदद करनी चाहिए, न कि उसको बर्बाद करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको भी अपने भाई से प्यार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।